तीन दिन पहले ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट और मालगाड़ी के बीच बीते शुक्रवार को टक्कर हो गई थी, जिससे दोनों ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 275 लोगों की जान गंवा चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या भी 1000 से ज्यादा है। इस घटना से दुखी टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने पीड़ितों की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। वीरेंद्र सहवाग ने रविवार को एक ट्वीट कर बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ितों के बच्चों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सहवाग ने ट्वीट किया कि वो उन सभी बच्चों को निशुल्क पढ़ाएंगे जिन्होंने इस ट्रेन हादसे में माता पिता खो दिए हैं। सहवाग ने इस हादसे के दौरान मौके पर मदद के लिए पहुँचे लोगों को भी सलाम किया, जिन्होंने ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने, अस्पताल पहुंचाने में मदद की और जरूरत पड़ने पर खून भी दिया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब सहवाग ने मदद की। वह पुलवामा में शहीद हुए जवानों के बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई का खर्च सहवाग उड़ रहे हैं, बल्कि अपनी एकेडमी में भी उन्हें क्रिकेट सिखा रहे हैं। सहवाग ने इस ट्रेन हादसे से जुड़ी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, यह तस्वीर हमें लंबे समय तक परेशान करेगी। दुख की इस घड़ी में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखूं। मैं ऐसे बच्चों को सहवाग स्कूल के बोर्डिंग में मुफ्त शिक्षा देने का ऑफर दे रहा हूं। सभी परिवारों के लिए प्रार्थना और उन सभी बहादुर पुरुषों और महिलाओं के लिए तालियां जो बचाव के काम में सबसे आगे रहे, मेडिकल टीम और स्वयंसेवक जो स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं, हम इसमें साथ हैं। अपने आप में सहवाग का यह कदम तारीफ के काबिल है। वैसे आप सभी सहवाग की इस महानता के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।